गुड मॉर्निंग। आज हमारा जर्नी का डे टू है और जो है आगरा छोड़ चुके हैं। आगरा मतलब अभी टाउन में ही है, लेकिन जहां हम लोग ठहरे थे अपने फ्रेंड के यहाँ, डॉक्टर सक्सेना के यहाँ, वहां से निकल चुके हैं करीब 6:25 में और नागपुर का टारगेट है। देखते हैं नागपुर हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि नागपुर इज अराउंड 831 किलोमीटर, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर जहाँ तक होगा देखते हैं। 5-6 बजे तक ड्राइव करेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे रास्ते में। फिलहाल आगरा में ही है NH-21, यही शायद आगे जाके NH-44 से मर्ज कर जाएगी। ग्वालियर अभी 86 किलोमीटर है, तो 1.5 आवर में ग्वालियर, तो 8:30 बजे ग्वालियर पहुंच जाएंगे। फिर आगे तो ग्वालियर में होगा तो चाय चाय किया जाएगा। मुंबई कन्याकुमारी, ये NH-44 है मुंबई कन्याकुमारी। अभी 2 सोमवार और बचा हुआ सावन में, तो कांवरिया लोग आपको खूब मिलेंगे रोड पे, तो जब ये दिख जाए तो थोड़ा केयरफुली आप चलाइए। आपको तो मालूम ही है कि कुछ हो जाने से क्या क्या हो जाता है। फिर पूरा काला हो गया आसमान, घने बादल हैं, तो लगता है थोड़ी देर में घनघोर बारिश होने वाली है। ज़्यादा शुरू हो गया टिपा टिप। ऐसे ही ट्रक लोगों से स्पीड हम लोग का स्लो हो गया कि बारिश हो जाएगी। ट्रक के चलते भी रोड में भी बहुत ही पॉट होल्स हैं, मतलब आपको काफी देख कर चलाना पड़ रहा है, नहीं तो खड्डे में आप जाएंगे। दोनों तरफ बस्ती ही है ना गांव, तो स्पीड पिकअप करने में डर लगता है भाई, कोई क्रॉस करेगा, बैरिकेडिंग है ही नहीं। और गाय माता का प्रकोप तो है ही रोड पे। बारिश शुरू हो गई भाई, हम लोग ढोलपुर क्रॉस कर रहे हैं अभी। काफी हिस्टोरिकल जगह है ढोलपुर, फेमस है चप्पल भर का सैंड के बाद हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो बरसात में ट्रैवल करने का मजा कुछ और ही है। देखो आप कितना ग्रीनरी है चारों तरफ, हरा ही हरा। ढेर सारे ये कांवरिया लोग भी जा रहे हैं।
अभी दिखाएगा, मुरैना पहुंच रहे हैं, उसी में ये गाड़ियां हैं। हम लोग मुरैना क्रॉस कर रहे हैं, ये पूरा जो है ना क्षेत्र पहले डाकुओं के लिए फेमस था, शायद अब तो नहीं मिलते यहाँ पे कुछ। बगल में एक मंदिर है हमारे राइट साइड में, तो काफी यहाँ पे शॉप्स वगैरह है जिसमें कि प्रसाद वगैरह मिल रहा है। अभी हम लोग आ गए NH 44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी वाले रोड पे, जस्ट 1 किलोमीटर पहले हम लोगों ने लेफ्ट ले लिया और जो राइट जाती है वो मुंबई की ओर, दैट इज आगरा मुंबई NH 44। तो अभी हम लोग ग्वालियर बाईपास कर रहे हैं और टाइम हो गया 8:50। आगरा से करीब करीब हम लोग 140 किलोमीटर्स आगे निकल चुके हैं। आगरा स्टार्ट किया था हम लोगों ने 6:25 को, तो ठीक ही है, स्पीड ठीक है, एवरेज। बरसात का समय है तो जनरली आई एम ड्राइविंग बिटवीन 80-90, नॉट मोर देन दैट। ये गाय खड़ी है, गाड़ी सामने देखो, गौ माता बीच सड़क पर खड़ी है। यहाँ आपको देखने को बहुत मिल जाएगा गाय रोड पे, तो ड्राइव करते समय काफी केयरफुल आना है, और इट इज बेटर कि अगर ये बीच में डिवाइडर के ऊपर में अगर पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो आप थोड़ा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में ड्राइव कीजिए, ताकि अगर कोई गाय निकल भी जाए झाड़ी से तो आपको मौका मिले अपने आप को संभालने के लिए। और राइट साइड में आप चलेंगे झाड़ियों की तरफ तो टपक गया अगर गाय तो आप भी टपक जाएंगे। झांसी 94 किलोमीटर, और यहाँ से राइट अगर चले जाएंगे तो ग्वालियर 16 किलोमीटर। तो हम लोग पूरा उसको बाईपास करते हुए आ गए। सामने देखो छोटे छोटे पहाड़ हैं और एकदम हरे हरे घनघोर, मतलब घना जंगल है पहाड़ के ऊपर। हमारे राइट साइड में डबरा करके जगह है और उसके बाईपास पे हम लोग चल रहे हैं अभी। और सागर अभी 270 किलोमीटर, वहाँ का ETA बता रहा है 2:07। फिर आगे नागपुर का लोकेशन डालेंगे और देखें कहां तक पहुंच पाते हैं आज। हमारे राइट साइड में ट्रक पलटी हो गया, इसलिए वन वे ट्रैफिक हो गया यहाँ पे। सुबह आज आगरा करीब 6:30 बजे हम लोग छोड़ दिए और नागपुर की तरफ निकल चले हैं। अभी बीच में करीब 3 घंटे के जर्नी के बाद डबरा एक जगह है, वहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए और फिर निकल जाएंगे नागपुर की ओर।
नागपुर देखे आज पहुंच पाते हैं कि नहीं, अभी भी लंबा जर्नी है। अगर नहीं हुआ तो रास्ते में कहीं रुक जाएंगे। हम लोग दतिया बाईपास कर रहे हैं, बट दतिया जो प्लेस है वो बहुत फेमस है। इट इज ट्रेडिंग सेंटर फॉर ग्रेन्स एंड कॉटन वीविंग। और फेमस है ये कि यहाँ पर राजा वीरेंद्र सिंह देव ने 17th सेंचुरी में 7-story पैलेस बनाया था। और इट इज ऑल्सो, इट हैज अ वेरी फेमस कॉटन वीविंग हैंडलूम इंडस्ट्री, यहाँ का बहुत फेमस है। दतिया काफी बड़ा मतलब टाउनशिप है और लगता है कभी कभी हम लोगों को 10-15 मिनट लग गया इसको क्रॉस करते करते, अभी भी चले ही जा रहे हैं। बाईपास, ये बाईपास है इसका। और रेन का मजा जैसा हम ले रहे हैं आप भी मजा ले रहे होंगे। मतलब आगरा से जब से हम लोग निकले हैं 3 घंटा से ज्यादा हो गया, उसमें 2 घंटा तो जरूर ऐसा रहा कि हेवी रेन। हमारे राइट साइड में एक डैम है जिसका नाम है पाहुच, काफी बड़ा डैम है, ओल्डेस्ट डैम इन एमपी, और एमपी का ओल्डेस्ट डैम है ये। तो यहाँ से बगल में ये है रोड से, मतलब अगर हम समझते हैं कि 5-6 किलोमीटर पे मेरे राइट साइड में है। अभी हम लोग NH-27 पे हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी इसको बोलते हैं। और फिर ये कहाँ तक जाता है आपको बताएंगे बाद में। हमारे लेफ्ट साइड में BHEL का प्लांट है। ये रेतवा रिवर को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉसिंग रेतवा रिवर, हम लोग अभी टबले हार्ट के बाईपास पे हैं और यहाँ पे एक काफी पुराना फोर्ट भी है। ऐसे हाईवे से दिखता है लेकिन इतना दूर है कि उसको जूम करने के बाद भी ठीक से नहीं दिख पाया, तो अगर आप आते हो तो विजिट कर सकते हो। वो फोर्ट राजा मर्दान सिंह बुंदेला बनाए थे और ही वो झांसी रानी के साथ मिलके अंग्रेजों के अगेंस्ट में 1857 में यहीं से लड़े थे, इसलिए वो फोर्ट और फेमस है। लेकिन वी डोंट नो किस कंडीशन में है वो अभी, मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी देखो दोनों साइड में पानी पानी है, ये यहाँ का शहजाद रिजर्वायर है। काफी बड़ा एरिया है रोड के दोनों साइड।
तो अभी हम लोग ललितपुर बाईपास कर रहे हैं। मेरे राइट साइड में ललितपुर टाउनशिप है और हम लोग बाईपास रोड पे हैं सागर की ओर। सागर अभी भी 111 किलोमीटर, ETA 219। अब कहीं बीच में हम लोग लंच लेंगे, 12:10 तो कोई अच्छा सा अगर ढाबा मिल जाए तो खाना हो जाएगा ठीक से। हमारे राइट साइड में एक लेक है, उसका नाम है गोविंद सागर लेक, और ये हम लोग ललितपुर बाईपास पे हैं, तो यू कैन से दैट इट इज इन ललितपुर। ये ललितपुर से सागर तक का रोड बहुत ही बेकार है, खड्डे ही खड्डे हैं, मतलब आप परेशान हो जाएंगे ड्राइविंग करते समय। बाएं काटना, दाहिने काटना, काटते काटते कोई ना कोई खड्डा आपके पहिए के नीचे आने वाला ही है, तो पता नहीं ना ही मतलब क्यों नहीं मेंटेन कर रहा है इसको। आई डोंट अंडरस्टैंड, नेशनल हाईवे रोड है और नो मेंटेनेंस। डेढ़ बजे सागर से करीब 40 किलोमीटर पहले हम लोग हाईवे पे रुक गए हैं, कोई जैन ढाबा है उस पे खाने के लिए, क्योंकि कोई अच्छा ऑप्शन मिल नहीं रहा था, ये थोड़ा साफ सुथरा दिखा तो हम लोग रुक गए हैं। और खाने में ज़्यादा कुछ है तो बहुत कुछ, लेकिन हम लोगों ने मंगाया है दाल फ्राई और भिंडी फ्राई, रोटी विद सलाद। आने पर दिखाता हूँ कैसा खाना रहता है, वो भी आपको बताते हैं। ये आपका जैन ढाबा ठीक है, मतलब अभी तक में जितना ऑप्शन मिला उसे बहुत अच्छा। हम लोग लंच लेके निकल गए और लंच में दाल फ्राई, भिंडी फ्राई, 4 रोटी, सलाद और एक चाय, ये 335 रुपए का बिल बना टोटल। खाना बड़ा सोचो था, आप अगर इस रूट में आते हो और सही में कोई ऑप्शन है नहीं तो या तो अपना लाइए। हाँ अपना लाइए तो ठीक है, अन्यथा जब कुछ नहीं मिल रहा है तो उसमें वो अच्छा है तो आप ट्राई कर सकते हो। तो इस लाइन में प्रॉपर आप चाहिएगा कि जो ढाबा स्टाइल जो क्लीन साफ सुथरा है ही नहीं, सब ट्रक ड्राइवर्स को केटर करते हैं, बड़ी मुश्किल हुई ईटिंग जॉइंट खोजने में। भले सागर के आसपास मिले तो कहा नहीं जा सकता, बट सागर से हम लोग करीब करीब अभी 20-25 किलोमीटर हैं पहले, लेकिन अभी तक कोई भी अच्छा जॉइंट नहीं मिला, तो चलो कोई बात नहीं। और दूसरा ये था कि शायद नागपुर ना जाते हुए पूरा मतलब कवर नहीं कर पाएंगे हम लोग। अभी भी अगर नागपुर स्टेट जाते हैं तो हम लोग 9:30-10 बजे तक पहुंचेंगे, सो विच आई डोंट वांट टू डू। तो इसलिए एक स्टॉपेज सोच रहे हैं कि नरसिंहपुर में ले लें, वहाँ करीब करीब 6 बजे शाम को पहुंचेंगे, एंड देन आज का जर्नी हम लोग क्लोज कर लेंगे और कल फिर सुबह सुबह डायरेक्ट हैदराबाद के लिए निकलने की कोशिश करेंगे। अगर हैदराबाद भी डायरेक्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बीच में कहीं रुक जाएंगे। अपना गाड़ी है, अपनी मर्जी है, समय के हिसाब से हम लोग अपना प्लान को चेंज करते रहेंगे। तो चलिए देखिए, आप उल्टा भाई साहब चला के आ रहे हैं एकदम फुल स्पीड में, और कुछ हो जाए तो फिर हंगामा हो जाएगा। रोड इस साइड का बहुत खराब है, रोड तो हॉरिबल, एकदम पॉटहोल से भरा हुआ है, वेरी हॉरिबल कंडीशन।
चीज़ और बता दूं आपको कि पेट्रोल का जो रेट है यूपी और एमपी में 106 रुपीज़ 31 पैसा पर लीटर, वेरेज पंजाब में हम लोग भरवाते हैं 96 रुपीज़ पर लीटर, मतलब समझो कि 10 रुपये का फ़र्क है। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्टेट टैक्स। और एक बात, ये जीएसटी के अंदर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, सब जगह सेम रेट रहेगा और कम भी हो जाएगा। तो भगवान करे जल्दी जीएसटी के अंदर आ जाए पेट्रोल डीजल। हम लोग नागपुर नहीं जा पाए, काम हो गया था करीब करीब 5:45, तो नरसिंहपुर में हम लोग रुक गए हैं होटल लेकर। होटल हाईवे में ही था, तो ठीक ठाक होटल है। तो आपको मैं रूम का टूर दे देता हूँ एक बार। ये देखो आप, ये है टॉयलेट साफ सुथरा, कमबोर्ड, हाईवे। गुड मॉर्निंग, आज हम लोग नरसिंहपुर अभी सुबह सुबह छोड़ रहे हैं हैदराबाद के लिए। कल हम लोग नागपुर नहीं कर पाए तो रास्ते में रुक गए, और अभी सुबह के बजे हैं 4:25 और निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। टारगेट इज हैदराबाद, नहीं होता तो बीच में कहीं रुक जाएंगे। तो चलते हैं, ऊपर वाले का हर हर महादेव का नाम लेते हुए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। पूरा अंधेरा है अभी रोड पे, और सूर्य भगवान का दर्शन करीब करीब मैं समझता हूँ कि 1 घंटा भी और लगेगा। सुबह हो गया, करीब 6:50 बज रहा है, मॉर्निंग, और सॉरी 5:50, और अब सूर्य देवता दर्शन देंगे। आसमान में लालिमा तो दिख रही है, बट कहाँ छुपे हुए अभी भी, क्योंकि बादल है और रोड तो अभी भी मतलब बेटर है। कल रात को जो हम लोग एक्सपीरियंस लिया था उससे कुछ बेटर है, लेकिन ऐसा ना कि अनएक्सपेक्टेड खड्डे आ जाते हैं रोड पे, तो उस समय आपको दिक्कत हो जाती है, खासकर जब अंधेरा है। तो हम लोग जब छोड़े थे तो करीब करीब 4:30 एकदम अंधेरा था, तो तकलीफ हो रही थी ड्राइविंग में, बट ना हो चौके। Not
था। नागपुर कितना दूर है अभी? नागपुर जबलपुर रोड इज 4.2 किलो। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जबलपुर रोड। देखो जरा नागपुर से कितना दूर है। हैदराबाद स्टिल 690 किलोमीटर, GTA बता रहा है 610। नागपुर इज स्टिल 192 किलोमीटर, तो आप समझो कि 4 घंटे के आसपास। अभी हम लोग आ गए जबलपुर नागपुर रोड हाईवे पे, और देखें ये रोड कैसा है। आप देखो रोड पे कितना कुहासा है भाई। ये पूरा घाट एरिया है, सामने जंगल, उसके ऊपर बादल। रोड पे ट्रक इतना ज्यादा चल रहा है कि आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो। सब ट्रकों का लाइन लगा हुआ है। ये अभी हम लोग फॉरेस्ट एरिया से गुजर रहे हैं। आप देखो दोनों साइड जो है ना, इसको कवर करके रखा है कि इसमें कोई वाइल्ड एनिमल नहीं आए। तो पता नहीं कितना किलोमीटर लंबा है। टाइगर रिजर्व है और काफी बड़ा एरिया है। ऑलरेडी हम लोग 5 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, तो आगे भी ये चला जा रहा है, देखते हैं कितना दूर तक है ये। ड्राइव करते हुए बड़ा मजा आ रहा है, मतलब बरसात भी है, जंगल भी है और रोड पे बादल भी उतरा हुआ है। लंबा फेंसिंग है पूरे टाइगर रिजर्व जो रोड के पैरेलल है। 9 किलोमीटर तो ऑलरेडी हो गया। घाट एरिया
फेंसिंग ख़त्म हुआ है, तो करीब करीब 11 किलोमीटर का ये टोटल फेंसिंग रहा दोनों तरफ। करीब करीब 3 घंटे का ड्राइव हो चुका है, तो अब कहीं रुकना चाहिए चाय वगैरह पीने के लिए। और अभी जो है दुकान वगैरह खुला नहीं है, 7:15 बज रहा है करीब। देखते हैं आगे कहीं अच्छा जॉइंट मिलता है तो रुकते हैं और गाड़ी, तो अभी चाय पी दिया जाए। ये फिर से फेंसिंग चालू हो गया दोनों साइड, काफ़ी बड़ा ये रिजल्ट है। हम लोग पेट्रोल लेने के लिए रुक गए थे और ये जगह का नाम है सेटवानी, और शायद MP और महाराष्ट्र का यहाँ यही बॉर्डर है, थोड़ा सा आगे मिल जाएगा बॉर्डर हमें। और यहाँ पे मतलब हाईएस्ट अभी तक का जो पेट्रोल का रेट था 108.10, और देखते हैं आगे महाराष्ट्र में कम है या ज़्यादा है। हैदराबाद में कम है या ज़्यादा है, बेंगलोर में कम है कि ज़्यादा है पता नहीं, तो चलो चलते हैं अभी। इसको बोलते हैं महाराष्ट्र का बारिश, मतलब नहीं भी तो 1 घंटे से होते जा रहा है। हम लोग कन्नन रिवर से क्रॉस कर रहे हैं, एंड ऑफकोर्स यू नो दैट इट इज टूअर्ड्स हैदराबाद। और हैदराबाद अभी 516 किलोमीटर अराउंड, तो 6 बजे तक पहुँचेंगे। तो लोग यहाँ रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, देखा कुछ मिलता है कि नहीं। दिन के बज रहे हैं 9:10, अगर मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो चल लेंगे आगे। ये देखो भाई आ गया ब्रेकफास्ट, पूरी भाजी और आज का भी आलू पराठा आ रहा है। हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल गए, करीब 9:10 बज रहा है, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट हम लोगों का यहाँ पे लग गया समय। तो जो 6:30 के अराउंड पहुँचने वाले थे, अभी दिखा रहा है 7:50, तो क्या कुछ तो मेकअप हो जाएगा। 7 बजे तक कोशिश करेंगे कि पहुँच जाए वहाँ पे हैदराबाद, क्योंकि कल फिर सुबह सुबह निकलना है। तो चलो देखो रोड पे क्या हो रहा है। पुल देखो हमारे राइट साइड में कितना अच्छा लग रहा है, एकदम पीला और लाल नहीं ऑरेंज। रास्ता एक ही तरफ लगाया है, दोनों तरफ लगाने से बहुत अच्छा लगता है। देखो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, अभी ऑन द वे टू हैदराबाद में लस्सी पी रहे हैं, ये सरदार जी फैमिली ढाबा है। लस्सी तो काफी अच्छा है, और लस्सी के बाद चाय भी मंगवाया है, देखिए चाय कैसा रहता है, बट लस्सी एक्सलेंट। अगर आप इस रास्ते से गुजरते हो तो यहाँ ट्राई कर सकते हो आप। इसी तरह ढाबा सरदार जी का फैमिली ढाबा, वन कैन ट्राई दिस। वहाँ तो हम लोग नहीं गए,
बट लगती और चाय दोनों अच्छा होगा। रोड भी अच्छा है, अभी सीन भी अच्छा है, लेकिन ये गाय माता लोग जो है ना, गाय और ट्रक्स, दे हैव बीन द बिगेस्ट कंट्री, स्पीड बढ़ा, ऊपर से पॉटहोल्स, और रोड पे तो कब पॉटहोल आ जाएगा पता नहीं। फिर भी बेटर है, जो पिछले 3-4 घंटे से जो गाड़ी चला रहे हैं उससे ये थोड़ा बेटर है। रोड खराब है लेकिन टोल लेना नहीं भूल रहे। अगर रोड खराब है तो टोल मत लो भाई। देखो क्या नजारा है, मस्त रोड और हरियाली ही हरियाली, जंगल ही जंगल। ऐसा ही रोड पूरा रहता तो मजा आता। 2 घंटे पहले पहुंचे। हाँ, ये 2 घंटा तो हम लोग लूज कर ही लिए। देखो सामने दिख रहा होगा खड्डा, बस ऐसे ही खड्डे जो है ना आ जाते हैं। रिवर को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ऑन वे टू हैदराबाद। वी आर इन हैदराबाद और गली गली से घूमते हुए चले जा रहे हैं। हमारे जो सिस्टर है हमारी, उन्हीं के घर पे आज नाइट स्टे है। तो स्टिल 6.7 किलोमीटर अवे और 6:14 का ही किए है, अभी बज रहा है 5:52। तो चलिए वहीं मिलते हैं फिर, अगर होगा तो।